जौनपुर उत्तर प्रदेश जफराबाद के भाजपा विधायक डॉक्टर हरेंद्र सिंह ने मुंबई दौरे के पहले दिन थाने में श्री दीनानाथ दुबे जी के निवास से शुरू हुआ। विधायक श्री सिंह सीधे दीनानाथ दुबे जी के थाने बागले स्थित निवास पर हालचाल लेने पहुंचे, जहां चाय के दौरान मुंबई व थाने में रह रहे उत्तर भारतीयों की मूल समस्याओं पर चर्चा किया गया। उक्त चर्चा के विषय में दौरान श्रीकांत दुबे, उपाध्यक्ष भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश उत्तर भारतीय मोर्चा श्री विजय सिंह जी, श्री प्रदुम शुक्ला महासचिव भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश, श्री शैलेश मिश्रा भाजपा प्रदेश सचिव उत्तर भारतीय मोर्चा, राकेश मिश्रा विभाग सचिव, शशिकांत दुबे महासचिव भाजपा बागले मंडल एवं पत्रकार श्री महेंद्र मणि पांडे, पत्रकार इकबाल खान, पत्रकार सतीश चौहान के साथ अन्य भाजपा के सहयोगी एवं सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा नेता श्री दीनानाथ दुबे एवं श्रीकांत दुबे ने विधायक श्री सिंह को पुष्प शॉल देकर सम्मान किया। जैसा कि हम लगातार आपको बताते हैं कि दिन प्रतिदिन हम किसी ऐसे प्रतिनिधि से मुलाकात करवाते हैं जो समाज के लिए, देश हित के लिए कुछ न कुछ कार्य कर रहे हैं। आज हमारे बीच के भारतीय जनता पार्टी के विधायक हमारे बीच में हरेंद्र सिंह जी जौनपुर जफराबाद विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक मौजूद हैं। आइए हम उनसे सीधा जानने की कोशिश करेंगे कि जो आज महाराष्ट्र में थाने में उनका, मुंबई में जो उनका एक प्रकार से आगमन हुआ है, वो किस विशेष को लेकर के हुआ है, और साथ साथ में जाते जाते यहाँ से जब प्रस्थान करेंगे तो उत्तर भारतीयों के लिए या जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे। विधायक जी, आपका सीएम न्यूज में आपका स्वागत है, और ये बताइए हमारे जो उत्तर भारतीय समुदाय के लोग हैं और आज जो है जो आप मुंबई का दौरा किए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे। ये शुद्ध रूप से परिवार में आने का विषय था, ये अपना सामाजिक विषय था, और जब से मैं आया हूँ जैसे परिवार जो खबरों के हर तरह से जुड़े हुए हैं, मैं बैठा हूँ जैसे परमागण हमारे दीनानाथ दुबे जी, और मैं आज तक भारतीय जनता पार्टी में 10-12 साल से सक्रिय राजनीति में काम रहा, लेकिन इस श्रेणी का मैंने कार्यकर्ता देखा नहीं, और आपके लिए मेरे हृदय में आघात से है। और आप मैं शेयर करूँ तो 2007 का विधानसभा चुनाव हुआ, अभी भी तक प्रत्याशी थी भारतीय जनता पार्टी, और मैं जिस गांव में जाता था लोग आते बताते थे कि दुबे जी आए हैं मुंबई से, तो हमको पोस्टर बैनर बिंदा दे के गए। मैं विचार मैंने पता कि दुबे जी कौन, उसके बाद लगा कि भैया बिना मुलाकात हुई थोड़ा प्रचार करते हैं, इस तरह के समर्थित कार्यकर्ता जितने भी हृदय में इतना स्नेह है, तो आपका आशीर्वाद देने स्वाभाविक रूप से आपका अवसर है। अच्छा हुआ है, हम देख रहे हैं जब से आप थाने में प्रवेश किए हैं तो 2 घंटे से लगातार फोन पे फोन जमा हुआ, कार्यकर्ताओं का जमा हुआ, तो पहले से संदेश था कि आप यहाँ आ रहे हैं या एक प्रकार से प्रेम देखा जाए जो कार्यकर्ताओं का। परिवार में स्वाभाविक रूप से परिवार बड़ी संख्या, उत्तर भारत से बनारस जौनपुर बलिया बलिया गांधी की बड़ी संख्या में आ रही है, कोई भी आता है उत्तर प्रदेश से, खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश से, तो स्वाभाविक रूप से लोग जानकारी देते हैं, फिर मैं अपने परिवार से लोगों से मिलने की प्रार्थना रहती है, तो शुद्ध रूप से आया और काफ़ी लोगों के माध्यम से समाचार मिले, अपने माध्यम से जानकारी मिली, और तमाम लोग चाहते हैं हमारी मुलाकात में बैठा हूँ जैसे परमागण हमारे दीनानाथ दुबे जी, और मैं आज तक भारतीय जनता पार्टी में 10-12 साल से सक्रिय राजनीति में काम रहा, लेकिन इस श्रेणी का मैंने कार्यकर्ता देखा नहीं, और आपके लिए मेरे हृदय में आघात से है, और आप मैं शेयर करूँ तो 2007 का विधानसभा चुनाव हुआ, अभी भी तक प्रत्याशी थी भारतीय जनता पार्टी, और मैं जिस गांव में जाता था लोग आते बताते थे कि दुबे जी आए हैं मुंबई से, तो हमको पोस्टर बैनर बिंदा दे के गए, मैं विचार मैंने पता कि दुबे जी कौन, उसके बाद लगा कि भैया बिना मुलाकात हुई थोड़ा प्रचार करते हैं, इस तरह के समर्थित कार्यकर्ता जितने भी हृदय में इतना स्नेह है, तो आपका आशीर्वाद देने स्वाभाविक रूप से आपका अवसर है। अच्छा हुआ है, हम देख रहे हैं जब से आप थाने में प्रवेश किए हैं तो 2 घंटे से लगातार फोन पे फोन जमा हुआ, कार्यकर्ताओं का जमा हुआ, तो पहले से संदेश था कि आप यहाँ आ रहे हैं या एक प्रकार से प्रेम देखा जाए जो कार्यकर्ताओं का। परिवार में लंबे समय बाद मुलाकात हुई, स्वाभाविक रूप से परिवार बड़ी संख्या, उत्तर भारत से बनारस जौनपुर बलिया बलिया गांधी की बड़ी संख्या में आ रही है, कोई भी आता है उत्तर प्रदेश से, खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश से, तो स्वाभाविक रूप से लोग जानकारी देते हैं, फिर मैं अपने परिवार से लोगों से मिलने की प्रार्थना रहती है, तो शुद्ध रूप से आया और काफ़ी लोगों के माध्यम से समाचार मिले, अपने माध्यम से जानकारी मिली, और तमाम लोग चाहते हैं हमारी मुलाकात में परिवारों में। 15 साल में उत्तर प्रदेश में जो
की सड़क की जो खस्ताहाल स्थिति थी उससे बहुत ज्यादा सुधार हुआ। जी, ये थे जफराबाद विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी विधायक हरेंद्र सिंह जी। आइए, हमारे बीच में पंडित दीनानाथ दुबे जी मौजूद हैं, जो इनके एक प्रकार से सहयोगी कहे जाए या कहे जाए कि मार्गदर्शक इनके कहे जाए, किसी भी प्रकार से मार्गदर्शक कहें या सहयोगी कहें, वो हमारे बीच मौजूद हैं। आइए, हम उनसे सीधा जानने की कोशिश करेंगे क्या कहेंगे आज के आगमन पर, जो विधायक जी का आगमन हुआ है। हमारे माननीय डॉक्टर हरेंद्र सिंह, जो जफराबाद विधानसभा से चुनकर के आए हैं भारी मतों से, आज उनकी एक अलग छवि है और हमारे यहाँ पूरे जिला के अंदर ऐसा कार्यकर्ता, ऐसा काम करने वाला कोई बिरला ही आदमी मिल सकता है, जो उनकी छवि है बहुत ही योग्य है और कर्मठ व्यक्ति हैं और दिन रात परिश्रम करते हैं, अपने क्षेत्र में घूमते रहते हैं, लोगों के सुख दुख में सहभागी होते हैं और यहाँ तक कि कभी भी किसी भी आश्चर्यजनक कोई भी घटना होती है तो जब भी देखिए हरेंद्र सिंह वहाँ पर उपस्थित रहते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि भगवान की कृपा से उनको और मौका भगवान दें, आगे बढ़ें, मंत्री बने, हमारे क्षेत्र का विकास करें और आगे का उनका भी भविष्य उज्ज्वल हो, हमारे क्षेत्र का भी भविष्य उज्ज्वल हो। इसी के साथ मैं बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मौजूद हैं श्रीकांत दुबे जी। आइए, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज उनके निवास स्थान पर जो विधायक जी का आगमन हुआ है और इस आगमन के विषय पर क्या कहेंगे। आइए, हम सीधा उनसे सवाल करते हैं, क्या कहेंगे सर? आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक जो भारी मतों से जीत के आए हैं, आज थाना आगमन पे हमारे निवास पे आए, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और मुझे भी सच बताऊं, मुझे भी मालूम नहीं था कि आज सिंह साहब आने वाले हैं, लेकिन भाई विजय सिंह का फोन आया कि दुबे जी का आशीर्वाद लेने के लिए डॉक्टर हरेंद्र सिंह जी आपके पास आ रहे हैं। तो हमारे को बताऊं कि छाती से छाता हो गया कि बिना किसी बुलावे के, बिना किसी इसके, अभी दुबे जी का नाम याद है डॉक्टर साहब को और आ रहे हैं। बड़े खुशी की बात है और चंद समय में बता रहा हूं कि एक आधे घंटे के समय में जिसको भी कुछ जानकारी मिली कि डॉक्टर हरेंद्र सिंह जी आ रहे हैं, लोग जैसे थे वैसे भाग करके यहां आए। और आप देख रहे हैं, मैं डॉक्टर हरेंद्र सिंह का काफी आभार मानता हूं और ईश्वर से ही कामना करता हूं कि हरेंद्र सिंह जी अपने क्षेत्र में जाएं और कामों के बल के ऊपर अगले जब विधानसभा का मंत्रिमंडल का विस्तार हो तो मंत्री पद मिले और हम लोगों का भी नाम गर्व से ऊंचा हो। धन्यवाद। और साथ साथ में अन्य लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत ये हर्ष का विषय है, आज डॉक्टर हरेंद्र सिंह जी जो पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता जौनपुर जिले के हैं और जब विपरीत परिस्थितियाँ थी तब भी वो काफ़ी अच्छी लड़ाई लड़े थे और इस बार वो विजय उन्होंने प्राप्त की और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और ये तो वहाँ की जनता स्वयं बता रही है, क्योंकि हम जो है वहाँ पर हमने जाके देखा है, सुना है और चुनाव में भी हम एक बार गए थे। कल ही मेरी विजय सिंह से जो बात हुई, पता चला डॉक्टर साहब आए हैं, उन्होंने कहा भाई दुबई से मैंने बात किया कि भाई इनसे मिलना ज़रूरी है, हो सकता है कि जितना जल्द से जल्द उनका एक गेट टुगेदर इकट्ठा किया जाए। और जब कोई भी पूर्वांचल का व्यक्ति या जिले के आस जनपद के आसपास का व्यक्ति आता है, चाहे विधायक हो, सांसद हो, कोई भी हो, तो थोड़ा लगाव अपने मन का रहता है कि अपने, और ये तो अपना ही क्षेत्र है, अपना ही गृह जनपद है, तो उसमें निश्चित रूप से स्वाभाविक है, काफ़ी प्रसन्नता का विषय है। और जब जो व्यक्ति जो कर्मठ है और सक्रिय है समाज, जैसे कि अभी चाचा जी दीनानाथ दुबे जी ने बताया कि इनकी सक्रियता का कोई जोड़ नहीं है, हर जगह ये उपलब्ध रहते हैं और बाकी सभी लोगों को विषय बताया, निश्चित रूप से हम काफ़ी लोग काफ़ी उत्साहित हैं। धन्यवाद।